वेलकम गाइस, बैक मैंने तो गेम प्ले वीडियो। गाइस आज हम लोग फिर से देखने आते हैं नॉट योर टाइप। गाइस इस वीडियो का टाइटल है टाइप्स ऑफ सुपर पावर। तो गाइस शुरू करते हैं अभी। सुपर पावर्स, अब तुम मानो या ना मानो, हम सब ने बचपन में स्पाइडरमैन मूवी देख के खुद को किसी बीमार या अधमरी मकड़ी से कटवाने की कोशिश जरूर की है। ओए मकड़ी, मकड़ी, मकड़ी काट मुझे, इधर काट, मैं भी एक बड़ा कीड़ा हूँ। उस मकड़ी के काटने से सुपर पावर तो छोड़ो, कोई अजीब सी जानलेवा बीमारी जरूर मिल जाती थी। लगता है मैं अब स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। उस वॉच को लाने के लिए मैं, परविंदर और अब्बू, हम तीनों जाएंगे। जाएंगे हम तीनों साथ में, लेकिन पहनूंगा वो वॉच सिर्फ मैं, क्योंकि भाई ये देख परविंदर से वॉच चिपक गई। ऐसा लग रहा हाथ की नस पे नस चढ़ गई, अब वो नहीं निकलेगी। अरे फिर नाते समय खराब हो गई तो? अरे परविंदर वो बैंडन की वॉच है यार। अभी ये परविंदर की वॉच है, परविंदर 10। अब टीवी पे मेरा गाना आएगा। ओए हाँ है ना, डिवाइस का असर हो गया। छोटा पाजी देखो कितना मस्त हो गया, ये बड़ी बूटी वाला कितना खास हो गया। परविंदर 10 बंद करो, बंद करो ये सब। कैसे कैसे वाहियात लोग हो तुम दोनों, दरिंदों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ओए चल कोई नहीं, मेरी मम्मी बोलती है आलू के पराठे खाने से सब ठीक हो जाता है। तुमने कभी सोचा अगर तुम्हारे पास कोई सुपर पावर होती तो तुम पूरी दुनिया से कितने ज्यादा अलग होते? एक तरफ पूरी दुनिया के मरियल लाचार लोग और एक तरफ हो तुम। अच्छा चलो तुम भी थोड़े मरियल लाचार हो, लेकिन तुम्हारे पास है सुपर पावर्स। देखो अब सुपर पावर ना काफी टाइप की होती है, जैसे हवा में उड़ने की पावर। यार जादू करने की पावर। आबरा का डाबरा गिली गिली पीली पीली छू। गिली पीली पीली छू क्या होता है? ये तो गायब हुआ ही नहीं, फिर गायब हुआ क्या? मम्मी, मेरी मम्मी गायब हो गई। अब हर सुपर पावर के ना अलग फायदे होते हैं, जैसे टेलीपोर्टेशन की पावर। टेलीपोर्टेशन की पावर से तुम बिना लेट हुए किसी भी दोस्त के बर्थडे में जा सकते हो। हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे हो सब लोग? बिन बुलाए हर पार्टी में मत आया करो। अरे ये मेरी दादी की मैयत में भी ऐसी टोपी पहन के आ गया था, और पता है इसने टेलीपोर्ट कहाँ किया था? मेरी दादी के मुंह पे। चलो टेलीपोर्टेशन की पावर साइड करते हैं। इमेजिन करो तुम्हें बहुत ज्यादा शक्ति की सुपर पावर मिल जाए, कहीं पर कुछ बुरा काम हो रहा हो। ओए दादी माँ, हमारा इलाका है, तुम यहाँ पे स्केटबोर्डिंग नहीं कर सकती, क्योंकि आज पहनी नहीं है मैंने चड्डी। मुंह के बल गिरोगी तो फूटेगी डड्डी। ओए कौन है रे बच्चे, जलशाना बन के कट ले, दूंगा एक। थैंक यू, थैंक यू। अब सुपर पावर के फायदे तो है, लेकिन नुकसान भी उतने ही है। इमेजिन गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि तुम एक सुपर पावर वाले मुश्तंडे हो, वो लोग तुम्हें रातों रात उठाकर ले जाएंगे, और फिर तुम्हारे साथ होगा सवाल और जवाब। कौन है तू? वो मैं। कहाँ से आया है, जल्दी बोल। ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट तुम पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, तुम्हारा DNA निकाल कर तुम जैसे और बना ले और फिर जंग में भेज दे। ओए मुश्तंडे, कुछ करेगा भी कि बस दीवार बन के खड़ा रहेगा? सर एक काम करते हैं, ये मुश्तंडे को दीवार ही बना लेते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बस तुम्हें एक काल कोठरी में बंद करके रखेंगे। ये ले मुश्तंडे तेरा खाना। खाना ये। इसीलिए सुपर हीरोज अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं। पर पता है जब मैं छोटा था मुझे लगता था ये किसी बेवकूफ लोग हैं, इनके पास सुपर पावर से फिर भी छुप के बैठे हैं। अगर मेरे पास कोई सुपर पावर होती तो मैं तो लोगों को खत लिख के भेज रहा होता। ये लीजिए सर, आपके लिए कोई खत है। मेरे लिए? बताओ जरा। I am Spider-Man। किसका खत है? पता नहीं, शायद किसी बच्चे ने मजाक किया है। देखो कितनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है I am Spider-Man। स्पाइडर की स्पेलिंग भी गलत है। पता चल रहा है उस खत से किसी सुपर विलन ने मुझे ढूंढ लिया। तुम्हारी राइटिंग बहुत गंदी है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया स्पाइडरमैन। मैंने तुम लोग से भी इंस्टाग्राम पर पूछा था कि तुम्हें कौन से सुपर पावर्स चाहिए और तुम उस पावर से क्या करोगे, और तुम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिए हैं। भाई मुझे गोकू की पावर चाहिए, मैं दुनिया के सारे विलियंस को खत्म कर दूंगा। यार थोड़ा रिलैक्स कर यार, दुनिया में वैसे भी कोई विलन्स नहीं है,
थोड़ा घर से बार बार निकल यार तू। मुझे टाइम ट्रैवल का पावर चाहिए, ये पावर 90% लोगों ने मांगा है। भाई देखो मुझे पता है हम सब ने पास में बहुत अजीब हरकतें करी है और हम वो सुधारना चाहते हैं। मैं खुद चाहता हूँ टाइम में पीछे जाऊँ और अपने छोटे रूप को दो डुच्चे मारूं, पर तुम्हें पता है टाइम ट्रैवल के बहुत सारे रूल होते हैं। तुम अपने छोटे रूप को दो डुच्चे मार के अपने टाइम में वापिस आते हो। मजा आया सेमड़ू को मार के। और तुम्हें पता चलता है अब तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। इमेजिन तुम पास्ट में गए और तुमसे गलती से कोई कुर्सी हिल गई, तुम अपने टाइम में वापिस आते हो और कुछ और ही हो रखा है। इसलिए मैं पर्सनली टाइम ट्रेवल पसंद नहीं करता। मुझे इमोर्टिलिटी की पावर चाहिए ताकि मैं सारी इवोल्यूशन देख सकूं। इमोर्टिलिटी यानी कभी ना मरना, काफी अच्छी पावर है और काफी बुरी भी। अच्छी इसलिए क्योंकि अब तुम मरोगे ही नहीं और तुम अब हर टाइप का फ्यूचर देख सकते हो। क्या पता आने वाले सालों में तुम एलियंस भी देख लो। देखिए भाईजान, आप थोड़ा दूर रह के बात करिए। अब इमोर्टिलिटी की पावर काफी बुरी भी है क्योंकि अब तुम कभी मर नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे आसपास के जितने भी क्लोज लोग हैं तुम्हें उन्हें मरते देखना पड़ेगा। पिंकू मेरे बेस्ट फ्रेंड, तू तो मर रहा है यार। क्योंकि मैं 80 साल का हो चुका हूँ। अरे मगर 80 साल का तो मैं भी हूँ। तो तू भी मर जा। खैर अब ये तो हो गई तुम लोग की पावर्स, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी पावर के बारे में बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं टाइम को रोक सकूँ, पूरी दुनिया रुक जाए सिवाय मेरे। शायद इस पावर से एक इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ इस पावर के भी कुछ नुकसान है। नुकसान ये है कि अब पूरी दुनिया रुकी हुई है और मैं अकेला चल रहा हूँ, तो शायद बुढ़ा भी मैं अकेला ही होऊंगा। इमेजिन करूँ मैंने टाइम रोका और मैं कोई फुद्दू हरकत करके मर गया, भाई मेरी वजह से पूरी दुनिया रुकी रह जाएगी। क्या हुआ, वीडियो रुक गई? नहीं नहीं तुम्हारे इंटरनेट की कोई गलती नहीं है, मैंने टाइम रोक दिया है। तो तुम भी चुपचाप अब सांस रोक के इस वीडियो को लाइक और हाँ? चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना अगर मैं टाइम रोक के मर गया तो तुम भी यहीं फंसे रह जाओगे। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताओ अगर तुम मेरी जगह होते तो कौन सी पावर लेते, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। मैं बोलता नहीं हूं, तुम करते नहीं हो, बेकार लोग हो तुम लोग, इसलिए लाइक करना मत भूलना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय बाय गाइस, आज वीडियो इतना ही, टू लिटर अब एंड गुड बाय। ऐसे मुझे तो पावर आज वीडियो इतना ही, टू लिटर एंड गुड बाय। ऐसे डुअल लिंगो से बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं है जो पीछे ऐड आया था। गुड बाय।